हरियाणा पंजाब की बॉर्डर्स पर डटे किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली आने का ऐलान किया है, जिस पर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने कहा कि चुनावी साल में इस तरह का आंदोलन मोदी सरकार की छवि को खराब करने वाला है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली जाने का ऐलान कर दिया है। किसान 6 मार्च को दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं किसानों के ऐलान पर राजनीति गर्मा गई है। हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि इसी साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनावी साल में इस तरह का आंदोलन होना कहीं न कहीं मोदी सरकार की छवि खराब करने की विरोधी दलों की साजिश है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर किसानों को भड़का रहे हैं। इस समय में जब केंद्र के 4 दौर की हमारी वार्ता हो चुकी है, खुद वहाँ पर जा चुके हैं, मंत्री भी जा चुके हैं और 5वें दौर की वार्ता के लिए भी उनको निमंत्रण भी भेजा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अब हरियाणा के किसान या देश के अन्य हिस्सों के किसान वो सब जाग चुके हैं और इनकी ओछी राजनीति को समझ चुके हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस समय जब हमारे आम चुनाव सिर पर हैं तो ये सब लोग भी समझते हैं कि केवल चुनावी राजनीति करने के लिए इस तरह का आंदोलन कराया जा रहा है। पूर्व मंत्री यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा भला अगर किसानों का किया है तो बीजेपी सरकार ने किया है। किसानों के लिए उचित मुआवजा, खाद बीज, फसलों की खरीद सहित भावांतर योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना सहित विभिन्न योजनाएं चलाकर किसानों के हित में काम किया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसान सरकार के काम से खुश है और इस बार पंजाब के किसानों के साथ नहीं है। और एक विशेष रिपोर्ट भी कई जैसे जो विशेषज्ञ हैं कृषि के, मैं तो इस बारे में ज़्यादा नहीं जानती, तो वो उन्होंने भी कहा है कि इस तरह की जो संबंधित मांगे जो कथित तथा कथित किसान जो धरना कर रहे हैं कि वो कंसर्न जो राज्य है वो वहाँ पर वो पूरी कर सकते हैं उनकी मांगों को। तो मैं समझती हूँ कि इस समय आंदोलन की आड़ में किसानों को बहकाने का काम किया जा रहा है। बहरहाल किसानों के इस मुद्दे पर विरोधी दल जमकर सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी खुले तौर पर किसानों को समर्थन दे चुकी है। ऐसे में किसानों के इस ऐलान के बाद से एक बार फिर जहां सियासी घमासान मच गया है तो आम लोगों को भी बॉर्डर बंद होने के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।